ढाके दे नजदीक एक पिंड विच भूमिए नाम दा जिमीदार रहिंदा सी। भूमिए दी जिहड़ी कमाई सी ओ जोर जुलम ते लुट खोह दी कमाई सी, क्योंकि भूमिया दिन वेले राह जांदे राइयां नूं लुटदा सी ते रात वेले चोरियां करदा सी। भूमिया अक्सर ही अपने घर विच लंगर लगा छड़दा सी ते पिंड वालियां नूं कहिंदा सी कि रात रहण वाले राही मेरे घर भेजो। पिंड दे लोक भूमिए तो डरदे सन ते उस दा हुक्म मनदे सन। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी ते भाई मरदाना उस पिंड विच चले गए तां पिंड दे लोकां ने उन्हां नूं रात कट्टण लई भूमिए दे घर भेज दिता। भूमिया जल्दी जल्दी रोटी तैयार करके लियाया ते गुरु जी ते भाई मरदाने नूं कहण लगा कि मेरे हत्थां दी बनाई हुई रोटी बहुत स्वाद हुंदी है, तुसीं एक वारी छक के देखो। ता गुरु जी ने रोटी खाण तो पहला भूमिए नूं सवाल कीता कि पहला तू मैनूं ये दस कि तू कम की करदा है। ता भूमिए नूं इदां लगदा सी कि जेकर लुट खोह दी कमाई नाल होरां दी सेवा कीती जावे तां ये कमाई शुद्ध हो जांदी है। ते उसने गुरु जी नूं अपनी लुट खोह दी कमाई बारे सब सच सच दस दिता। ता भूमिए दे मूहों ये गल सुन के गुरु जी ने रोटी खाण तो इनकार कर दिता ते उसनू आखण लगे कि जिन्ना चिर तू ये माड़े काम छड्डण दा सानू वचन नहीं दे दिंदा उन्ना चिर तेरी सेवा असी प्रवान नहीं करांगे। तब भूमिए ने गुरु जी नू अगों बेबाक उत्तर दिता कि मैं इस काम नू किवें छड्ड सकदा हाँ, क्योंकि ये ता साडा जद्दी पुश्ती काम है। तो गुरु जी ने कहा कि भूमिया तू चोरी करनी भावें ना छड्ड पर मेरिया तीन गल्लां नू पल्ले बन्नण दा वचन मैनू जरूर दे। पहली गल गरीब मार नहीं करनी, दूसरी सच बोलना, तीसरी जिसदा लून खादा उसका बुरा नहीं करना। जेकर तू इन्हां तीन गल्लां नू पल्ले बन्नण दा वचन मैनू दिंदा है तां असी तेरी रोटी छक लैंदे हाँ। तां भूमिए ने गुरु जी दे उपदेशां नू कबूल कर लिया ते गुरु जी ने भूमिए दा प्रशादा छक लिया। एक दिन भूमिया सोहणे कपड़े पा के ते घोड़े उपर सवार हो के किसे राजे दे महल वल चल पिया ते जदों महल दे अंदर दाखिल होण लगा तां चौकीदार ने पुछया कि तुसीं कौण हो। तां भूमिए ने गुरु जी दे बचन दा पालण करदिआं सच बोल दिता ते कहा कि मैं चोर हाँ। तां चौकीदार ने सोचिया कि इह मैनूं मखौल कर रहा है ते भूमिए नूं अंदर जाण दिता। महल दे अंदर जा के भूमिए ने कीमती कीमती चीज़ां नूं एक जगह ते इकट्ठियां कर लिया ते उन्हां नूं एक पंड विच बन्न लिया। जदों भूमिया चोरी कीतियां चीज़ां नूं बाहर लैके जाण लगा तां उस दी नज़र एक सोने दी प्लेट उत्ते पई जिस विच कुछ खाण नूं पिया होया सी। तां जदों भूमिए ने उसदा स्वाद चख्या तां पता लग्या कि इस विच तां लूण सी। तां भूमिए नूं गुरु जी दा तीसरा बचन याद आ गया कि किसे दा लूण खा के हराम नहीं करना। तां भूमिया उन्हां सारियां कीमती चीज़ां नूं छड्ड के महल तो बाहर आ गया ते अपने घर चला गया। जदों राजा महल दे अंदर आया तां उसनूं पता लगा कि महल दे अंदर कोई चोर आया सी। तां राजे ने चोर नूं लभण वास्ते लोकां दी कुट मार करवाउणी शुरू कर दित्ती। भूमिए नूं लोकां ते जुल्म हुंदा देख के तरस आया ते ओह आप चल के राजे दे कोल पहुँच गया ते चोरी वाली सारी गल राजे नूं सच सच दस दित्ती। राजे नूं भूमिए दा कोरा कोरा सच बोलना बहुत चंगा लगा ते राजे ने खुश हो के भूमिए नूं कहा कि मैं तेरे वर्गे सच्चे सुच्चे आदमी नूं अपना वजीर बनाउणा चाहुंदा हाँ। तां राजे दे मूहों ये गल सुन के भूमिए दियां अखां विच पानी निकल आया ते ओह सोचण लगा कि उन्हां महापुरखां दे सिर्फ तीन बचना ने ही मेरी जिंदगी बदल दित्ती है। ते भूमिए ने उस दिन तो बाद चंगे कर्म करने ते मेहनत की कमाई करके उस विच्चों लोड़वंद लोकां दी सहायता करनी शुरू कर दित्ती ते अपनी बची हुई जिंदगी नूं सफल बनाया। सतनाम श्री वाहिगुरु।